वेलकम टू IGM कोचिंग इंस्टीट्यूट। दोस्तों आज हम बात करेंगे चेन्नई त्रिवेंद्रम क्लर्क ग्रेड 2 के रेलवे सेट के बारे में, जो कि 2005 का पेपर होगा। तो दोस्तों जान लेते हैं सामान्य ज्ञान की आज हम बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी ने कब चलाया। ऑप्शन दिए गए 1940, 42, 41 या 43। दोस्तों ये हमारा 8 अगस्त 1942 को चलाया गया था, तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हलीबुडी और बेलूर के मंदिर से बनाए गए, किसने बनाए दोस्तों हलीबुडी और बेलूर के मंदिर, चोल ने या होयसाल ने या काकतीय ने या पल्लव ने। दोस्तों ये बनाए थे हमारे होयसाल ने, होयसाल वंश से दोस्तों आप जानते होंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय पानीपत युद्ध में मराठे से पराजित हुए, कौन पराजित हुए थे। ऑप्शन दिए गए राजपूत, अफगान या मुगल या सिख। दोस्तों यहाँ पर हमारा अफगान राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकबर के लिए राजपूतों की मित्रता और सहयोग मांगा। अकबर ने राजपूतों की मित्रता और सहयोग मांगा, किस लिए मांगा था। अफगान विद्रोह को कुचलने के लिए या मुगल साम्राज्य की नींव मजबूत करने के लिए या राजपूतानी राजकुमारियों को शादी करने के लिए या भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी जनजातियों को हराने के लिए। दोस्तों यहाँ हमारा आंसर होगा बी, मुगल साम्राज्य की नींव मजबूत करने के लिए अकबर ने राजपूतों से मित्रता की थी। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों बुद्ध का जन्म बताना है, ऑप्शन दिए गए हैं लुम्बिनी या फिर कपिलवस्तु या फिर वैशाली या फिर कोसला। दोस्तों हमारा यहाँ आंसर होगा ए, लुम्बिनी में दोस्तों बुद्ध जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डब्ल्यू टी ए टेनिस प्रतियोगिता जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं। दोस्तों ऑप्शन दिए गए हैं सानिया मिर्जा या फिर साहिल जयलक्ष्मी या फिर निरुपमा वैद्यनाथन या फिर सीका ओबराय। दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा, सानिया मिर्जा हमारे दोस्तों WTA टेनिस प्रतियोगिता जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में भारत और पाकिस्तान के बीच निर्माणाधीन परियोजना को कहते हैं, बगलिहार हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक परियोजना या किशन गंगा जल परियोजना, रावी व्यास परियोजना या तीनों में से कोई भी नहीं। दोस्तों हमारी ये बगलिहार जो हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक परियोजना है, ये हमारी पाकिस्तान और भारत के बीच निर्माणाधीन थी 2005 के हिसाब से, भी सेट पेपर 2005 का, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। मद्रास उच्च न्यायालय का न्यायपीठ में कार्य कर रहा है, कोयम्बटूर, सलेम, बेलूर या मदुरई। दोस्तों हमारा इसका आंसर होगा ए, कोयम्बटूर। मद्रास उच्च न्यायालय का हमारा न्यायपीठ कहाँ है, कोयम्बटूर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालू चीनी वर्ष जाना जाता है, भेड़, बेलूर, मुर्गा या बंदर। दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन होगा डी, ये दोस्तों में अजीब सा लग रहा है, आप लोग इसमें आंसर बताइए। इसका आंसर डी दिया गया है हमारे यहाँ पर, तो आप लोग इसका कन्फर्म करके आंसर बताइए हमें क्या है। त्रुवाकस पर इस वर्ष अप्रैल 14 को विमोचित की जाने वाली सिम्फनी को संगीतबद्ध करने वाला है, ये दोस्तों आप लोग भी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, फार्मूला वन ग्रैंड प्रिक्स कार रेस में भाग लेने वाले प्रथम भारतीय नारायण कार्तिकेयन चलाएंगे, फेरारी या फिर ओडी या फिर रेनॉल्ट या फिर जॉर्डन टोयोटा। दोस्तों हमारे ये और दोस्तों ये चलाएंगे हमारे जॉर्डन टोयोटा, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तमिलनाडु का वह स्थान जो पूर्णिमा के रात प्रसिद्ध गिरिबलम के लिए प्रसिद्ध है, भुभागिरी, तिरुणामल्ली या फिर कृष्णागिरी या फिर सलेम। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर हमारा, तो दोस्तों ये इसका आंसर दोस्तों आप लोग दीजिए, आप लोग इसका कमेंट में आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में चेन्नई को पेयजल जिस योजना के जरिए लाया गया है, वह योजना कहलाती है। ऑप्शन दिए गए हैं नई वीराणम योजना, कावेरी जल योजना, वेगाई जल योजना, मुरलीपियर योजना। दोस्तों हमारा इसका आंसर होगा डी, मुरलीपियर परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्यटकों के लिए आकर्षक केंद्र कवन पार्क शहर में स्थित है, जो कवन पार्क हमारा है वो कहाँ पर स्थित है। दोस्तों मैसूर या फिर बेंगलोर या फिर तुमिक्योर या फिर चेन्नई। दोस्तों इसका आंसर होगा हमारा बेंगलोर, कमन पार्क हमारा बेंगलोर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिरुवल्लुवर को समर्पित वल्लुवर कोट्टयम में स्थित है। दोस्तों हमारा वल्लम कोट्टर कहाँ स्थित है, तंजावर में हमारा तिरुवल्लुवर को समर्पित वल्लुवर कोट्टयम है तंजावर में, ऑप्शन नंबर सी होगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह मंदिर का रथ जो अपने वृत्त आकार के लिए प्रसिद्ध है, कांचीपुरम का मंदिर या तंजावर का या तिरुवाधुर का या चिदम्बरम का। दोस्तों ये
दक्षिण भारत के मंदिर हैं। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ये राइट होगा, कांचीपुरम का मंदिर है दोस्तों, ये बृहद आकार के लिए, अपने रथ मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओणम पर्व में मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है ओणम पर्व? तमिलनाडु में, कर्नाटक में, केरल में, आंध्र प्रदेश में? दोस्तों हमारा इसका आंसर होगा सी, यह मनाया जाता है केरल में, ओणम मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाले तमिल अभिनेता कौन थे? दोस्तों एम जी रामचंद्रन, या शिवाजी गणेशन, या जेमिनी गणेशन, या कमल हासन? दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर बी राइट होगा, शिवाजी गणेशन दोस्तों हमारे दादा साहब फाल्के वाले तमिल अभिनेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जिनको भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जिसको भारत रत्न पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है, एम जी रामचंद्रन, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर सी राइट होगा, एम जी रामचंद्रन को, जी हमारे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे, इन्हें भारत रत्न दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कुरुबी फसल तमिलनाडु में से संबंधित है, दोस्तों जो कुरुबी फसल है वो तमिलनाडु में किससे संबंधित है? ईख से, केला से, धान से, या मकई से? तो ऑप्शन नंबर यहाँ हमारा, तो दोस्तों कुरुबी फसल परियोजना तमिलनाडु में किस संबंधित है? ईख से, धान से, केला से, मकई से? दोस्तों इसका आंसर आप लोग दीजिए कन्फर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच प्रचलित होने वाली नई बस सेवा श्रीनगर कश्मीर को पाकिस्तान में जोड़ेगी, कहाँ से कहाँ से जोड़ेगी? दोस्तों हमारी बस सेवा ये मुजफ्फराबाद, या लाहौर, या पेशावर, या मुल्तान? दोस्तों इसका आंसर होगा हमारा ए, मुजफ्फराबाद से हमारे दोस्तों ये हमारी बस सेवा जोड़ेगी श्रीनगर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहलाती हैं? विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजिनी नायडू, अरुणा आसिफ अली, या सुजिता कबलानी? दोस्तों हमारी नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहलाती हैं सरोजिनी नायडू, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चोर राजा ने सिलोन पर विजय पाया? दोस्तों सिलोन दोस्तों हमारा ये नाम है, ये श्रीलंका का पुराना नाम है सिलोन, दोस्तों सिलोन पर किसने विजय पाया था? हमारा राजेंद्र ने दोस्तों, तो ये ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लोक नृत्य करगम से संबंधित है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, या कर्नाटक? दोस्तों करगम हमारा तमिलनाडु से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे पुनर्संरचना के लिए ढांचाकार तैयार करने वाली समिति का नाम बताइए, जैन समिति, बैगन चिलैया समिति, राकेश मोहन समिति, दिनेश गोस्वामी समिति? दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर सी राइट आंसर होगा, राकेश मोहन समिति भारतीय रेलवे पुनर्संरचना से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, अंत्योदय कार्यक्रम का प्रमुख लक्ष्य है, अंत्योदय कार्यक्रम दोस्तों होता है वो गरीबियों के लिए बनाया गया है भारत सरकार ने, तो दोस्तों शहरी ग्रामों का उद्धार ये नहीं होगा, ग्रामीण औद्योगिक कामगारों का उद्धार ये भी नहीं होगा, ग्रामीण गरीबों का उद्धार ये होगा, 26 का सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण अफ्रीका से लौटने पर गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह शुरू किया, ये हमारा चंपारण किया था 1917 में गांधी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवेकानंद सर स्मारक में स्थित है, कोलकाता, कन्याकुमारी, या फिर तिरुवनावल्ली, या फिर तिरुनेवल्ली? दोस्तों ये हमारा होगा 28 का बी आंसर होगा, कन्याकुमारी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीहरिकोटा रॉकेट विमोचन स्थल किस राज्य में है? दोस्तों श्रीहरिकोटा रॉकेट विमोचन स्थल दोस्तों हमारा आंध्र प्रदेश में है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, धन्यवाद।